तो हेलो गाइज, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। रेडमी नोट 5 प्रो के लिए साइबेरिया ओएस का लेटेस्ट बिल्ड आ चुका है। इसमें आपको क्या कुछ नया देखने को मिलता है और रॉम की परफॉर्मेंस इसमें कैसी है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। और इसमें आपको कौन सा वर्जन देखने को मिलता है, सबसे पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर अपडेट के रिगार्डिंग वीडियो आपको मिल जाएगी नोटिफिकेशन। तो आप देख सकते हो एंड्रॉयड 12 का वर्जन है, इसमें साइबेरिया ओएस का ऊपर रन कर रहा है। आप देख सकते हो V.5.0 वर्जन है और एंड्रॉयड 12 के ऊपर ये बेस्ट है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो वर्जन इसका एंड्रॉयड 12 है, यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर। तो रेडमी नोट 5 प्रो के लिए मतलब हर वीक अपडेट आता रहता है किसी न किसी रोम का। तो अगर आपके पास भी रेडमी नोट 5 प्रो या 5 है तो आप उसमें इंस्टॉल करके इसका मज़ा ले सकते हो आराम से, क्योंकि भी स्टेबल अपडेट के रिगार्डिंग कुछ भी अपडेट वगैरह आने को मुझे नहीं लग रहा कि कुछ भी आएगा। तो आप देख सकते हो एंड्रॉयड 12 इजीली से वर्क कर रहा है और इसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि एकदम अच्छे से वर्क कर रहा है। हर फीचर्स इसमें अच्छे से वर्क कर रहा है क्योंकि बहुत सारी इसके लिए डेवलपर ने रोम क्रिएट की हुई है। तो इसमें आपको फीचर्स क्या क्या मिलते हैं, रोम की परफॉर्मेंस कैसी है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन इसकी बात करें कंट्रोल सेंटर की, तो आप देख सकते हो कंट्रोल सेंटर इसमें आपको इस तरह का देखने को मिल जाता है। आपको एंड्रॉयड 12 का कंट्रोल सेंटर पूरा नया है। आपको यहाँ पे पावर मेन्यू वगैरह सब कुछ सिस्टम यहाँ से ही आपको एडजस्ट करने को मिल जाए। पावर ऑफ कर सकते हो और रिस्टार्ट कर सकते हो। इसके अंदर और भी आप फीचर्स ऐड कर सकते हो, वहाँ मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा, वीडियो पे बना रहेगा। तो सबसे पहले आप क्या करना है, जैसे कि अगर कुछ भी ऐप्स वगैरह इसमें एडिट करना है आपको और भी इसमें टॉगल्स ऐड करना है, तो आप देख सकते हो किसी को मूव करना है तो आप यहाँ से इसको ऊपर नीचे या इस तरह से एडजस्ट वगैरह भी कर सकते हो। ये भी इसमें फीचर्स आपको देखने को मिल जाता है, जो भी है ये अच्छी बात है। उसके बाद में अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर अगर आप डिस्प्ले पे टैप करोगे तो आपको यहाँ से होम सेटिंग मिल जाती है, वॉलपेपर स्टाइल और विजिट का डायरेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ से इसमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद में इसके वॉल्यूम अगर आप बटन की बात करें तो आपको किस तरीके से वॉल्यूम बटन देखने को मिलता है, तो आप देख सकते हो इस तरह का आपको अलग साइड में देखने को मिल जाता है। और नीचे से आप देख सकते हो इस तरह से आप ऑल स्पेक्स का क्लिक करोगे 3 डॉट पर तो आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा, पूरा सेटिंग व्यू आपके सामने ही ओपन हो जाएगा। तो इस तरह का ये ऑप्शन इसमें मिल जाता है देखने को, तो ये अच्छी बात है। अगर इसमें पावर मेन्यू को जैसे मैंने दिखा दिया था, यहाँ से भी आपको दिखा देता हूँ, तो ये दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। और भी इसमें अगर आप ऑप्शन ऐड करना चाहते हो तो वो मैं आपको बता दूंगा। अगर इसमें ऑफ ऐप्स की ओपनिंग की बात करें तो ऐप्स ओपनिंग इसमें मतलब आपको पता ही है कि जो भी इस तरह की रोम आती है उसमें एकदम स्मूथ और एकदम फास्ट होती है, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे कि आप देख सकते हो टैप कर रहे हो किसी भी एप्लीकेशन को, फास्ट ओपन हो जा रही, मैसेज को ओपन किया फास्ट ओपन हो चुका, गूगल फोटो को ओपन करते हैं तो देख सकते हो फास्ट ओपन हो चुका है, उसके बाद मैसेज को ओपन करते हैं अपन तो फास्ट ओपन हो चुका है, मतलब कुछ भी जीमेल को ओपन करें तो आप देख सकते हो जीमेल भी क्विकली मतलब ओपन करते ही टैब और अन ओपन, तो इस तरह का रोम का रिस्पॉन्स है तो अच्छा है। तो अगर इसके बाद में नेक्स्ट फीचर्स की इसमें बात करें सेटिंग में ले जाकर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको नेटवर्क सेटिंग मिल जाती है, कनेक्टिंग डिवाइस का ऑप्शन मिल जाता है, ऐप्स के रिगार्डिंग आपको यहाँ मिल जाता है और यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन वगैरह का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हो ऐप नोटिफिकेशन वगैरह, नोटिफिकेशन हिस्ट्री वगैरह सब कुछ का डाटा यहाँ से आप इजीली से मेंशन कर सकते हो। डिवाइस ऐप नोटिफिकेशन का भी आप यहाँ से इसका अलाउ वगैरह कर सकते हो। आप देख सकते हो एंड्रॉइड चाहिए आपको या क्विक सेटअप की तरह चाहिए तो उस तरह से आप इसमें कर सकते हो। डू नॉट डिस्टर्ब मी का मोड मिल जाता है, हाइड साइलेंट नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन को आप साइलेंट कर सकते हो यहाँ से, अलाउ नोटिफिकेशन को भी कर सकते हो, ब्लिंकिंग लाइट जैसे नोटिफिकेशन आती है तो आपको यहाँ पे एक ऊपर लाइट ब्लिंक का ऑप्शन मिलता है, उसको आप इनेबल करना चाहते हो तो आप उसको ऑन रखना होगा। और इनहेंस नोटिफिकेशन का भी आपको इसमें ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो भी एक ये अच्छी बात है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट फीचर्स की इसमें बात करें बैटरी की, तो बैटरी का आपको यूआई कुछ इस तरह से इसमें देखने को मिल जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ से आप बैटरी यूजेज वगैरह देख सकते हो, इस पर क्लिक करके कितने टाइम की आपने बैटरी आपको ऑन स्क्रीन टाइम इसमें देखने को मिला है। उसके बाद में बैटरी सेवर मिल जाता है और एडेप्टिव बैटरी का यूज़ का इसमें सिस्टम आपको देखने को मिल जाता है, इसको आप इनेबल रखोगे तो बैटरी आपकी कम ड्रेनिंग होगी, बैटरी लाइफ ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद परसेंटेज का ऑप्शन देखने को, जैसे परसेंटेज पे क्लिक करोगे आप देख सकते हो ऊपर परसेंटेज इनेबल हो चुका है, तो इस तरह से आप परसेंटेज को इनेबल कर सकते हो अगर आपको चाहिए। स्टोरेज की बात करें तो आपको स्टोरेज का यूआई इस तरह का देखने को मिलता है, डॉक्यूमेंट और अदर कितना है 14 GB, सिस्टम कितना है 11 GB, सब कुछ आपको अलग अलग इसमें स्टेप दिखा देगा। ऐप्स ने आपने कितनी मेमोरी को घेर रखा है, वीडियो इमेज ऑडियो सबका मतलब इसमें अलग अलग दिखाएगा, ट्रेस क्या है 0 है, गेम कितना MB का है, सब कुछ इसमें अलग आपको यूआई स्टोरेज का देखने को मिल जाता है। वो आप स्टोरेज मैनेजर पर करोगे तो ये ऑटोमेटिक क्लीन करता रहेगा बैकग्राउंड में जो भी ऐप्स वगैरह होगा उसको। और एक सेटिंग मिलती है इसमें साइबेरिया ओएस की, जो इसकी मेन सेटिंग है, सारे फीचर्स आपको इसके अंदर मिलते हैं। सिस्टम में आप जाओगे जैसे, उसके बाद में आपको देख सकते हो यहाँ पे जनरल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसमें आपको कुछ फीचर्स देखने को नहीं मिलता लेकिन इसमें ये दे रखा है बेसिक सेटिंग,
इसमें इस तरह का ऑप्शन आपको दे रखा है। उसके बाद नीचे जाओगे बटन, और ये इसमें ये भी मतलब इन हैंड वगैरह इसमें आप कर सकते हो इनेबल वगैरह, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि आपको इनेबल एडवांस रीस्टार्ट का ऑप्शन पर क्लिक करोगे आप, तो इसमें सारे आपको बूट मेन्यू वगैरह के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आप देख सकते हो इस तरह के आपको ये वर्क करता हुआ मिल जाता है। जैसे मैं आपको इसका वापस अनलॉक करता हूँ पासवर्ड लगा के, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो इस तरह से करोगे इसको, यहाँ पे आप रिस्टार्ट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो इस तरह के आपको एडवांस मोड भी मिल गए। फास्ट बूट में जाना है आपको, बूट लोडर में जाना है, या रिकवरी में जाना है, या सिस्टम बूट करना है, तो इस तरह का इसको आप इनेबल करोगे तो इस तरह का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। बाकी इसको ऑफ कर दोगे, रिस्टार्ट करोगे तो मोबाइल रिस्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे पावर मेन्यू पे आपको जाते हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ से इस पावर मेन्यू के ऑप्शन पे आप बहुत सारा बटन ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी आपको सिर्फ दो ही ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, उसके बाद मैं जैसे इसको क्लिक करता हूँ आप देख सकते हो इन सबको वजह से मैं अलाउ कर लेता हूँ। तो अब आपको दिखाता हूँ, मैं पावर मेन्यू को टैप करता हूँ तो आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आ चुके हैं। तो इस तरह से आप इसमें इनेबल वगैरह डिसेबल कर सकते हो। तो ये सेटिंग मुझे एक अच्छी लगी है, तो इस तरह से आप सारा वहाँ से ही पावर मेन्यू से एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे इमरजेंसी का ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट फीचर्स बता देता हूँ मैं आपको, इसमें क्या मिल जाता है पैनल का। तो पैनल के ऑप्शन में आप जाओगे तो स्टेटस बार का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, स्टेटस इसको कस्टमाइज वगैरह कर सकते हो। आप देख सकते हो होस्ट स्पोर्ट को इनेबल वगैरह करना है, डिसेबल करना है, तो यहाँ से कर सकते हो। और यहाँ से ही आपको बैटरी का परसेंटेज वगैरह का ऑप्शन यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद में आप नोटिफिकेशन में जाओगे तो ये भी फिलहाल इसमें भी कुछ ऑप्शन नहीं डाल रखा है इन्होंने, सिर्फ नोटिफिकेशन कस्टमाइज का दे रखा है। मैं भी इसमें शायद ये बक्स लगता है। और गेस्टेस के ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो 5 to 3 स्क्रीन शॉट, ठीक है। 3 फिंगर से आप देख सकते हो बहुत फास्ट स्क्रीन शॉट हो जाएगा आपका। इसको ऑफ कर दोगे तो स्क्रीन शॉट आपको बटन से लेना पड़ेगा। तो ये इसमें इन्होंने एक नया फीचर्स दिया है। उसके बाद मैं नेक्स्ट फीचर्स की मैं बात करूँ लॉक स्क्रीन का, इसमें भी काम नहीं कर रहा है जो मैंने ट्राई कर रखा है। सिस्टम ये देख सकते हो साइबेरिया का, आपको यहाँ पे टेलीग्राम वगैरह का लिंक मिल जाता है, कुछ भी बक्स वगैरह हो तो आप इससे उनको फीडबैक दे सकते हो, ठीक है। रॉम में कुछ भी प्रॉब्लम हो आप तो इस तरह से इसमें दे सकते हो उनको फीडबैक। उसके बाद में अगर साउंड की बात करें तो आप देख सकते हो साउंड वगैरह आपको यहाँ से इजीली कर सकते हो, आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें मतलब वॉल्यूम वगैरह के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, वॉल्यूम काफ़ी चेंज है। और यहाँ पे आपको डायल पैड वगैरह के साउंड, चार्जिंग साउंड, टच साउंड वगैरह आपको यहाँ पे इसमें देखने को मिल जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो आप यहाँ से इसको डिसेबल कर दोगे तो ये डिसेबल हो जाएगा। उसके बाद में मैं अगर बात करता हूँ, नीचे आप जाओगे यहाँ पे देख सकते हो डिस्प्ले में, तो डिस्प्ले में आपको यहाँ बैटरी देख सकते हो, लाइव डिस्प्ले आप देख सकते हो, यहाँ से आप लॉक स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, टाइम स्क्रीन आउट का भी आप यहाँ से बढ़ा सकते हो, टाइम जो भी आपको रखना चाहिए बढ़ा सकते हो। डार्क मोड आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो, डार्क मोड का भी इसमें आपको सपोर्ट देखने को मिलता है। और फॉन्ट साइज, डिस्प्ले साइज, लाइट, नाइट लाइट का भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो आप कर सकते हो, सब कुछ इसमें मिल जाता है। और टैप टू वीक का ऑप्शन, डबल टैप करोगे स्क्रीन पर वीक हो जाएगी, डबल टैप करोगे वापस लाइट ब्लिंक हो जाएगी, तो ये ऑप्शन भी इसमें डिस्प्ले में मिल जाता है। अगर वॉलपेपर और स्टाइल में जाओगे तो आपको इसमें वॉलपेपर वगैरह कितने देखने को मिलता है मैं आपको दिखा देता हूँ। सिर्फ आपको प्री इंस्टॉल ये एक वॉलपेपर देखने को मिलता है, यहाँ पे भी चलता है तो यहाँ पे भी आपको एक ही मिलता है। लॉक स्क्रीन, होम स्क्रीन के एक ही वॉलपेपर मिलता है। अगर आप कस्टम डाउनलोड करके इसको लगाना चाहते हो लगा सकते हो। यहाँ पर भी आप देख सकते हो थीम ऐप आइकन, अगर थीम की तरह आइकन चाहिए आपको इसको इनेबल करोगे, आप देख सकते हो जैसा थीम का कलर है उस तरीके से आइकन हो चुके हैं। डार्क थीम अप्लाई कर सकते हो और ऐप गाइड को यहाँ से कर सकते हो, जैसे छोटा बड़ा जो आप आइकन देख रहे हो अगर बड़ा चाहिए तो इस तरह से आप इनको यहाँ से भी अपने हिसाब से करके इसको अप्लाई करें। अगर छोटा चाहिए आपको ज़्यादा चाहिए अप्लाई करोगे तो इस तरह से आप देख सकते हो अप्लाई सक्सेसफुल हो चुका। तो इस तरीके से आप इसमें यूज कर सकते हो। तो ये फीचर्स भी मुझे इसमें काफ़ी एक अच्छा लगा। उसके बाद में एसेबिलिटी का ऑप्शन मिल जाता है, इसमें आपको ठीक है टेक्स्ट एंड डिस्प्ले, एक्स्ट्रा डिम लाइट, डार्क थीम मिल जाता है आपको। नीचे देख सकते हो टाइमिंग कंट्रोल, सिस्टम कंट्रोल का भी इसमें आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो पावर बटन से कॉल एंड वगैरह रोटेट वगैरह आप यहाँ से कर सकते हो। और नेविगेशन बार का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आपको 3 बटन चाहिए इसको क्लिक करोगे बटन इनेबल हो जाएगा, 2 बटन चाहिए तो 2 बटन इनेबल, अगर आपको 3 गैसेस बार चाहिए तो आपको इसको क्लिक करोगे तो गैसेस बार इनेबल हो जाएगा। तो इस तरह के इसमें आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं। और ऑडियो जस्टिमेंट का भी ऑप्शन मिल जाता है, आप उसकी ऑडियो की आवाज़ वगैरह यहाँ से कर सकते हो। असेबिलिटी शॉर्टकट का भी ऑप्शन इसमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद में अगर सिक्योरिटी में जाओगे तो आप देख सकते हो पिन लॉक, फिंगरप्रिंट लॉक और स्मार्ट लॉक मिल जाता है आपको इसमें। तो देख सकते हो आपको ऐप पिनिंग का ऑप्शन भी इसमें, इमरजेंसी का भी मिल जाता है, आप जो यहाँ से अपने हिसाब से सर्टिफाई वगैरह आप देख सकते हो डिवाइस इनक्रिप्ट है या डिक्रिप्ट है, वो भी आप इसमें मैनेज वगैरह करके देख सकते हो। उसके बाद प्राइवेसी के ऑप्शन में जाते हो तो आप देख सकते हो आप कैमरा एक्सेस, माइक्रोफोन वगैरह सबको आप परमिशन यहाँ से दे सकते हो और डिसेबल कर सकते हो। एड्स को आप यहाँ से ब्लॉक कर सकते हो या ऑन चालू कर सकते हो, जो इसमें आपको प्राइवेसी के ऑप्शन में ये सेटिंग मिलती है। इमरजेंसी सेफ्टी का ऑप्शन मिल जाता है, एसएसओ जो जैसे आपको पता ही है कि MI के मोबाइल में आता ही है, काफ़ी पुराना है ये,
फीचर्स। उसके बाद में आप जहाँ पे जाओगे पासवर्ड अकाउंट, तो गूगल अकाउंट का पासवर्ड वगैरह आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो अगर आपने ऐड कर रखा है गूगल अकाउंट। ऑटो स्कैन का भी इसमें आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, डाटा को ऑटो स्कैन, कॉन्टैक्ट वगैरह को ऑटो स्कैन कर लेगा। और डिजिटल वेलबीइंग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आपने कितने टाइम कौन सा ऐप्स यूज किया है उसका आपको यहाँ पर दिखा देगा, कितनी बार आपने मोबाइल को अनलॉक किया है वो भी आपको यहाँ पर दिखा देगा, और नोटिफिकेशन कितनी आई है वो भी आपको यहाँ पर दिखा देगा। तो सब कुछ आप यहाँ पर मैनेज करके भी रख सकते हो नोटिफिकेशन वगैरह को। उसके बाद में चलते हैं सिस्टम, तो आपको यहाँ पर लैंग्वेज का ऑप्शन, गेस्टेस का ऑप्शन, टाइम डेट और बैकअप, और मल्टीपल यूज़र और डेवलपर ऑप्शन का यहाँ पर आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसमें आप जाओगे रीस्टार्ट के ऑप्शन में, वाईफाई रीसेट कर सकते हो, ऐप प्रेफरेंस रीसेट कर सकते हो, इरेज डाउनलोड सिम का मैसेज डिलीट कर सकते हो, ऑल डाटा यहाँ से फैक्ट्री रीसेट भी आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद में आप नीचे ऑप्शन देखने को मिलता है यहाँ पर डिवाइस फीचर्स, तो इसमें आप जाओगे ये क्या सिस्टम है, तो इसमें आपको देख सकते हो यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट जो इसमें आपको दे रखा है, स्क्रीन का गेस्टेस, आप जैसे किस तरह से आप इसका यूज करना चाहते हो उस तरीके से आपको इसमें ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर आप जाओगे ऑफ स्क्रीन के ऑप्शन पर, आपको देख सकते हो डिसेबल कर रखा है, तो आप देख सकते हो रिसेंट होम टैब स्क्रॉल जो आपको जेस्टिस बार का ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे स्वाइप टू करोगे उसमें आपको कौन सा चाहिए, तो इस तरीके से आप यहाँ पे ऐड वगैरह इनमें कर सकते हो। तो ये इसमें फीचर्स देखने को मिल जाता है, जो ये अच्छी बात है। तो अगर मैं नीचे आपको देखा हूँ अबाउट फोन का, मैंने आपको दिखाई दिया कि आपको इसमें कर्नल कौन सा मिलता है, जो आपको कर्नल भी मैं दिखा देता हूँ कि कर्नल का नाम ही इसमें दासू दे रखा है, तो आपको मैं दिखा देता हूँ इसमें जाके एंड्रॉयड 12 के वर्जन में आपको दिखा देता हूँ। आप नीचे जाओगे तो आप देख सकते हो इसमें आपको गरुड़ा कर्नल का 3.0 का लेटेस्ट बिल देखने को मिलता है, जो एक ये अच्छी बात है। उसके बाद में अगर कैमरे क्वालिटी की बात करें, मैंने इसमें आपको कुछ फोटो ले रखे हैं, तो मैं आपको इसे सैंपल वगैरह दिखा लेता हूँ कि गैलरी में भी आपको क्या कुछ इसमें नया फीचर्स इसमें देखने को मिलता है या नहीं मिलता है। तो जैसे मैं इसको अलाउ देता हूँ, ठीक है, तो आपको दिखा देता हूँ गूगल फोटो, गूगल फोटो में आपको दिखा देता हूँ इसकी कैमरा क्वालिटी कैसी है। तो सुबह मैंने इससे फोटो लिया था, ये आप देख सकते हो रेडमी नोट 5 का लिया था, तो कैमरा क्वालिटी तो मतलब अच्छी है, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम वगैरह आपको नहीं होगी, क्योंकि गूगल का जो भी इस तरह का साइबेरिया ओएस वगैरह इस तरह का बिल्ड वगैरह आता है उसमें कैमरा क्वालिटी अच्छी होती है, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आप यहाँ पे आपको लेंस का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, शेयर का और एडिट के ऑप्शन पर जाओगे आप यहाँ पे, तो आपको देख सकते हो इसमें कौन कौन से फिल्टर देखने को मिल जाते हैं। गॉट इट पर क्लिक करोगे आपको देख सकते हो इनहेंस का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो वार्न वगैरह करना चाहते हो देख सकते हो कूल, तो इस तरह का आपको इसमें ऑप्शन देखने को मिलता है, क्रॉप का मिल जाता है, फिल्टर का मिल जाता है, और मोर पे जाओगे तो आपको यहाँ पे आप मेकअप वगैरह का भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से आप इसमें कलर वगैरह इस तरह से आप जो भी है आप इससे कर सकते हो। ब्रश का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आपको देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से आप वॉलपेपर वगैरह कुछ भी कलर सेलेक्ट करके इस तरह से कर सकते हो। और आपको टेक्स्ट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, जो आप कुछ भी टेक्स्ट वगैरह यहाँ पर टाइप करके फोटो एडिट करने के लिए काम में आते हैं, बाकी तो कुछ काम में ये फीचर्स नहीं आते। तो इस तरीके से आपको इसमें ऑप्शन देखने को मिलता है, तो अच्छी है रोम, इसमें कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, डेली ड्राइवर में आप इसका यूज कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना, ताकि क्या होगा हर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।